नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि महिलाओं का शमशान घाट जाना क्यों वर्जित होता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद अंतिम संस्कार यानी 16वें संस्कार की क्रियाएं की जाती है। हिंदुओं में मृत्यु के पश्चात अंतिम यात्रा निकाली जाती है और इसके बाद दाह संस्कार किया जाता है। मृत व्यक्ति की शव यात्रा और अंतिम संस्कार में परिवार के सभी पुरुष शामिल होते हैं। हिंदू रिवाज के तहत महिलाओं का शमशान घाट जाना सख्त मना होता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि महिलाओं को अंतिम संस्कार में शामिल क्यों नहीं किया जाता है, इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। माना जाता है कि बुरी प्रेतात्माएं सबसे पहले औरतों को ही अपना निशाना बनाती है। खासकर भूत उन औरतों को अपना निशाना बनाते हैं जो वर्जिन होती है, इसलिए उन्हें शमशान घाट नहीं ले जाया जाता है। हिंदू रिवाज के हिसाब से जो अंतिम संस्कार करने जाता है उसे गंजा होना पड़ता है। गंजापन लड़कियों और औरतों को नहीं सुहाता है, इसलिए ये भी एक वजह है कि औरतों को अंतिम संस्कार में नहीं ले जाया जा सकता है। ऐसी भी मान्यता है कि शमशान घाट पर मृत आत्माएं भटकती रहती हैं। ऐसे में लड़कियों और महिलाओं के शरीर में इन आत्माओं के प्रवेश होने की संभावना सबसे अधिक रहती है, इसलिए शमशान घाट में महिलाओं के जाने पर पाबंदी होती है। कहा जाता है कि लड़कियां और महिलाएं दिल से कमज़ोर होती हैं और किसी अपने के मरने के बाद खुद का रोना नहीं रोक पाती है। ऐसे में शमशान घाट में औरतों के रोने से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए औरतों को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं किया जाता है। बहरहाल हर धर्म की अपनी संस्कृति और मान्यता है। आप जिस भी धर्म को अपनाते हैं उसके रीति रिवाज हमेशा ध्यान में रखें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।